मुझे पहले ये भ्रम था कि जो अनपढ़ है वो लोगों को पता नहीं कि विरोध कैसे करना है। आज तो इन लोगों ने ये बता दिया कि सर्टिफिकेट दे दिया कि हम पढ़ लिख लेंगे, कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन हम वही करेंगे जो हमको अखिलेश यादव सिखाएंगे। जब आजमगढ़ में मैं पहली बार आया था तो यही वो लोग थे जो पत्थर फेंक रहे थे मुझ पर, तो मुझे पता चल गया कि ये अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं और इनको पत्थर फेंकना ही सिखाया जाता है। जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें बैठा मिलेगा मुंडा, लेकिन इनको पता ही नहीं कि बुलडोजर बाबा चांप रहे हैं, मुंडे हाथ रहे हैं, बुलडोजर बाबा चांप रहे हैं और ये मुंडे हाथ रहे हैं। और गाड़ी नहीं पलटना बाबा, ये कहीं राग बिलाप रहे हैं, ये घुटने के दम आकर के और यही बिलाप रहे कि बाबा ने कहा छोड़ा, लेकिन छोड़ने वाले नहीं है। जितने ये गुंडे, जितने माफिया, जितने भ्रष्टाचारी इस देश को लूटे हैं, एक भी नहीं बचे। समाजवादी पार्टी वाले लोग, ये कांग्रेस वाले लोग, ये देश का समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। देश का समय भी बर्बाद करते हैं, ये देश का पैसा भी बर्बाद करते हैं, ये सदन में भी जब कार्रवाई चलती है तो यही काम करते हैं जो यहाँ कर रहे हैं। ये तो मैं सदन में बैठ के देख चुका हूँ कि आप करते क्या है, आपकी पार्टी करती क्या है, हमने देखा है। और आप निश्चिंत रहें, जब 400 सीट जीत कर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पार्टी 400 सीट जीत के आ रही है तो समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा। और इसी 24 के चुनाव के बाद ये पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, इनका वजूद नहीं बचेगा और ये कहीं के नहीं रहेंगे। और इसलिए इनकी छटपटाहट है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी जब इस देश को पूरे दुनिया में ताकतवर बना रहे हैं तो इन चोरों के पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने देश को लूटा और देश को लूट के जो पैसा इन्होंने रखा था रिश्ते नाता में, वही पैसा मोदी जी निकाल के भेज रहे हैं। Oh, okay.